चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। यार मामू साहब, अभी से बहुत रोजा लग रहा है यार, कैसे गुजरेगा ये टाइम? हाँ यार नबील, एक तो आज गर्मी भी बहुत है, ऊपर से सहरी में हमने लस्सी भी तो नहीं पी ना। मैंने तो सहरी में सिर्फ 4 परोंठे खाए थे। हाय अल्लाह, मैं ये सोच रही हूँ कि अफ्तारी तक वो कैसे करूँगी। वो क्या? वो जो जिसका फल मीठा होता है, आम का। ओ यार महमूद साहब, आम खुद फल होता है यार। अच्छा, और वही जो रोजा रख के करना होता है। इंतजार, पहले ही मुझे बड़ा रोजा लग रहा है, तू और मुझे गुस्सा दिला रहा है। माँ जी सबर करें यार प्लीज। सबर, मैं अफ्तार तक सबर कैसे करूंगी। हद करते हैं यार आप लोग, रोजा रख लिया और हिलने जुलने से भी गए हैं आप लोग। अरे रोजा रखने का ये मतलब तो नहीं है कि इंसान घर में पड़ा रहे और कोई काम ना करे। रोजा रखा है, कोई एहसान नहीं किया किसी पर। अच्छा ठीक है जानू, भाषण हो गया तुम्हारा, जाओ दरवाजे पे देखो कौन आया है। मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है नबी, रोजा रख के कोई काम करने को दिल नहीं करता यार, जाओ देखो। ओ यार मैं मुसाफ जाए यार, आप खुद देख लेना यार। हाँ धोती है यार नबी, ऐसे रोजे रखने का क्या फायदा कि तुम जाके दरवाजा भी नहीं देख सकते। जाओ मोमो दरवाजा खोलो जाके। चुप, जाके खुद देख। अच्छा भाई। अरे शेर खान तू। अरे मेरे दोस्त, मेरा यार। अरे तू रो क्यों रहा है यार? महमूद सब खत्म हो गया, अब तेरा दोस्त शेर खान नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। अरे हुआ क्या है बता तो सही। यार हमको अंदर तो आने दो ना, सारा बातचीत के तुम हमारे से ये नहीं करेगा। अच्छा अच्छा, आ जा आ जा आ जा। यार हमारे साथ बहुत जुल्म हो गया। हाय मसूद, ये मांगने वाले बाबे को घर के अंदर ले आए। माँ जी ये मांगने वाला बाबा नहीं है। ना तो फिर कौन है? शेर खान है, महमूद साहब का दोस्त। ओ खान साहब, आप कब आए और क्यों आए भाई? यार अभी जहाज पकड़ के आए। क्यों, आपको टिकट नहीं मिली क्या? ओ यार महमूद, यार यार इसको बोलो ये हमारे से ये जुक्त मुक्त नहीं मारे, हम वैसे बहुत टेंशन में। अच्छा ये बताना हुआ क्या है? यार फिर हमको बैठने के लिए तो बताओ ना किधर बैठे। अरे खान साहब तो आगे इधर बैठे ना। यार हम तो इधर ही बैठेगा, पहले तुम इधर से उठो। आए यार खान साहब, आए बैठे यार, क्या हो गया यार? अच्छा शेर खान अब बता के हुआ क्या है? यार हम बताएगा लेकिन पहले हमारे को एक गिलास ठंडा पानी पिलाओ। यार खान साहब आपका रोजा नहीं है? ओ नहीं यार, अब हम रोजा नहीं रख सकते। क्यों, तू दीन से बाहर निकल गया? नहीं भाभी, आपको डॉक्टर ने मना किए। सुने जी, मैंने भी इस वाले डॉक्टर के पास जाना है। अरे तुम तो चुप करो यार, जाओ जाके एक गिलास पानी लेकर आओ, और खबरदार भूले से भी एक सिप लिया तो। अरे शेर खान तुम तो रोना बंद करो यार, वरना हमारी हंसी निकल जाएगी दोनों की। रोना तो हमें चाहिए, आप क्यों रो रहे हैं? ओ यार जब आम तुमको बताएगा तो तुम्हारा सर पे पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा कलेजा फट जाएगा और तुम अपना अभी में नहीं रहेगा। अरे आखिर ऐसा हुआ क्या है, तू बता क्यों नहीं रहा? ये ले बबर खान जूस। ओ माँ जी पानी। ना तो इसने पानी मांगा था। आप पानी ही लेकर आई है माँ जी। तो क्या उसने जूस मांगा था? ओ यार शेर खान तू पानी पी यार। अब बता क्या हुआ है? ओ बता रहा है यार महमूद, तुझे नहीं बताएगा तो और किसको बताएगा? पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही तो एक हमारा दोस्त है, तुम हमारा फैमिली की तरह है, अगर तुमको नहीं बताएगा तो फिर किसको बताएगा? वो तो बता क्यों नहीं रहा, इतनी देर से सब कुछ बोल रहा है, पूरे जमाने की बातें कर रहा लेकिन बता नहीं रहा तू। चलो एक काम करते है, लॉन में चलकर बताता है, इधर हमको थोड़ा घुटन हो रहा है। वो जो तुझे यहाँ हो रही है वो घुटन है? हाँ बाबी। अब घुटन तो नहीं हो रही तुझे? नहीं यार आप कोई घुटन नहीं हो रही है। प्यास तो नहीं लग रही? नहीं, पानी मानी पी लिया है अभी, बस ठीक है। तो चल फिर बता क्या बात है। यार महमूद हमको देखो यार, हम थका हुआ है और हमने कुछ खाया पिया भी नहीं है,
और जालिमों ने हमारे को जहाज में भी कुछ नहीं दिया यार, पहले हमको खाने को कुछ दो ना, फिर हम बताते हैं। तेरी तेजी है, अरे तू जा, हमारा रोजा खराब कर रहे है। बोल बता, बताते यार, बताते थोड़ा सब्र करो, हमको बैठने तो दो ना यार, छोड़ यार, बताते यार, बता, हद कर दिया यार। कुछ दिनों पहले का बात है, हमारे गांव में उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, हर तरफ हरियाली थी, परिंदे लोग भी चहचहा रहा था, बहुत सुहाना मौसम था। महमूद साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपना रोजा तोड़ लूंगा। शेर खान, तू क्यों हमारे हाथों से मरना चाहता है रे, बताता क्यों नहीं? ओ यार महमूद, ओ तुमको यही तो हम बता रहा था, अब तुमको हमारे को मारने का जरूरत नहीं है, हम खुद मरने वाला है। क्या मतलब? डॉक्टर ने हमारे को बताया कि हमको कैंसर हो गया है। क्या? हाँ, एकदम फाइनल वाला स्टेज है, बस एक महीने कट्टी है हमारे पास। बस इतनी सी बात है? हम समझे, पता नहीं तुझे क्या हो गया। अरे तो तू यहाँ क्यों आ गया? तुझे तो ये आखिरी महीना अपने गांव वालों के साथ गुजारना चाहिए था। और नहीं तो क्या? ओ यार, तुम लोग क्या हमारा प्रमीत? हमसे कोई उम्मीद न रखी यार, हमने सोचा था महमूद, इस दुनिया में हमारे पास तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है, इसलिए हमने सोचा और हम मरने से पहले सब कुछ जो है तुम्हारे नाम करने चाहते है। बोल दे कि ये सब झूठ है, झूठ है, झूठ है। मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता शेर खान, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। मैं भी तकरीबन खान साहब आपके बगैर नहीं रह सकता। मैं भी अपने जीते भाई के लिए ना। अब मेरा क्या होगा? ओ लड़को मेरा भाई, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। खान साहब, मैंने आपके लिए क्या क्या सोचा था, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? तुम हमारी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी कर सकते हैं ना यार। आखिरी ख्वाहिश? हमारे पास सिर्फ आखिरी महीना है और हम इस आखिरी महीने को इंजॉय करना चाहते हैं। खान साहब, आप हुक्म करें, मैं आपको चिड़िया घर लेके जाऊं, समंदर पे लेके जाऊं, घोड़े की सैर करवाऊं, कहां कहां लेके जाऊं, मनोड़ा ले जाता हूं मैं आपको। अरे सोच के राय पगले, बता दे तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। यार महमूद, तुमको तो पता है कि हमने अपने सारी बीवियों को मार दी है, इसलिए हम चाहते है कि मरने से पहले बोल हम एक और शादी कर ली। क्या? है ना, हमारा किसी खूबसूरत और नौजवान लड़की से शादी करा दो ना प्लीज। मोमो, शेर खान कहाँ है? वो इनके कमरे में ना वो करने गए। वो क्या? वो जो दोपहर के खाने के बाद करते हैं। ओ भाई, उस शेर खान का कुछ सोचे यार ना। उसका क्या सोचना है? उसे यहाँ से निकाले यार, हमारे घर में मर मरा गया तो कहाँ दफनाते फिरेंगे उसे। हाँ भाई, रोजे में उसका कफन दफन करना पड़ेगा, भेजे उसको वापस। अरे कैसी बातें करती हो मोमो, अरे वो अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर रहा है। अरे और तुम कह रही हो कि मैं वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को घर से निकाल दूं? भाई उसके पास मुर्गी भी है। अरे वो खुद मुर्गी है। नहीं, मुर्गी नहीं है, शेर है। अरे तो हम उसका करेंगे क्या? जानू, तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, शेर खान के मरने से पहले उसकी शादी करवाएंगे। क्या? हाँ, नबील, एक मरते हुए आदमी से कौन लड़की शादी करेगी यार? क्यों, मैंने भी तो की है। मामा, वो जानू कोई भी लड़की मिल जाएगी जिसे जल्दी अमीर और बेवा होने का शौक हो। और ये लड़की ढूंढेगा कौन? हम सब मिलकर ढूंढेंगे महमूद साहब। वो जो हम सब मिलकर ढूंढेंगे वो लड़की होगी। सलाम अलैकुम, आपके घर में कोई खूबसूरत कुंवारी मासी है? नहीं। बेवा? नहीं। अंधी लंगड़ी लूली, चल दफा हो यहाँ से, निकल। अरे भाई, मरने वाले की ख्वाहिश है कि लड़की जवान और खूबसूरत होनी चाहिए। आंटी, अपने मगेतर से शादी तो वो बेवा होने के बाद भी कर लेगी। अब देखें आंटी, प्लीज आप गालियाँ क्यों दे रही हैं? अरे भाई, अगर रिश्ता नहीं समझ आ रहा तो ना करे, लेकिन आप तमीज से तो बात करे ना, गालियाँ क्यों दे रही है? यार मैंने तो जितनी कोशिश करनी थी ना कर दी, और मैंने तो मल्ली की मासियों से भी पूछा है,
नबील मुझे नहीं लगता कि शेर खान की आखिरी ख्वाहिश पूरी होगी यार। क्या शेर खान तुम उठ गए? वो उठा नहीं है, हमारी आंखें खुल गई है। आंखें वो महमूदा, तुम हमारे कैसे दोस्त है और तुम हमारे लिए जवान और खूबसूरत लड़की नहीं ढूंढ सकते यार? इतना छोटा सा हमारा ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते? ये तेरे लिए इतनी सी ख्वाहिश है, दूसरों का तो सोच, खुद गर्ज। ठीक है, फिर अगर तुम हमारा शादी नहीं करा सकते तो फिर हम भी यहाँ से जा रहे हैं। क्या? हाँ ठीक है, हम अपना मरने के बाद अपना सारा जायदाद इसी में दे देगा। अरे शेर खान तू तो नाराज हो गया यार। हाँ हम नाराज हो गए कुट्टी। अरे शेर खान आप तो बुरा मान गए यार। ओ यार बुरा नहीं मानेगा तो और क्या करेगा, कोई हमको आदत नहीं है बीवियों के बगैर रहने की। अरे आपको बीवी मिल जाएगी खान साहब। ओए कब, वो कब मिलेगी हमको बीवी? आज ही मिल जाएगी। ये हुआ ना बात, हम तुमको मुंह मांगा इनाम देगा। ये चीज मेरे अजीज। नबील, अरे तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो यार? महमूद साहब, मैंने खान साहब को रोकने के लिए कह तो दिया कि मैं उनकी शादी करा दूंगा, लेकिन लड़की कहाँ से आएगी वो सोच रहा हूँ मैं। यार नबील, तुम्हारी तो इतनी गर्लफ्रेंड थी, अरे किसी एक से बात कर लो। ओ महमूद साहब आपका दिमाग खराब हो गया, मेरी गर्लफ्रेंड शेर खान से शादी क्यों करेगी भाई? अरे तुमसे भी तो शादी करने के लिए राजी हो ही गई थी ना, शेर खान से भी कर लेंगी। अरे देखो नबील, तुम लड़की को समझाना ना कि सिर्फ एक महीने की बात है, उसके बाद तो उसने वैसे ही मर जाना है, फिर वो बेचारी भी आजाद हो जाएगी और जहाँ चाहे जिससे चाहे शादी कर ले। आइडिया बुरा नहीं है महमूद साहब। अरे तो फिर बात करो ना अपनी किसी पुरानी गर्लफ्रेंड से। बात क्या करनी है, बुला लेता हूँ, बस खूबसूरत को पता नहीं चलना चाहिए। अरे वो और तुम्हारी माँ कमरे में आराम कर रही है, उन्हें रोजा लग रहा है। ठीक है महमूद साहब, मैं अभी बुला लेता हूँ। हेलो साइमा डार्लिंग, तुम मेरे घर आ सकती हो? मेरा भी रोजा है लेकिन जरूरी बात करनी है, अभी अभी इसी वक्त। हाँ हाँ ओके। आ रही है, आ रही है, आ रही है। ये चीज़ मेरे अजीज। यस। थैंक यू साइमा, थैंक यू वेरी मच। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा नबील के इतने अरसे के बाद तुमने खुद कॉल करके मुझे अपने घर पे बुलाया है। मुझे पता था साइमा, सिर्फ एक तुम हो जो मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। हाँ नबील, मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी कर सकती हूँ। किसी बुढ़े आदमी से भी शादी कर सकती हो? हाँ मैं तुमसे खुशी खुशी शादी कर सकती हूँ। मैं अपनी बात नहीं कर रहा साइमा। तो फिर किसकी बात कर रही हो? ओ यार अच्छा पूरी कहानी सुन लो। अच्छा म्यूट पे कहानी सुन लो मुझसे। किस किस्म की घटिया फरमाइश है नबील? तुम समझने की कोशिश तो करो। मुझे कुछ नहीं समझना। अरे मैं क्यों शादी करूंगी किसी मरते हुए आदमी से? अरे एक महीने का मेहमान है, इससे पहले पहले निकल जाएगा, उसके मरने के बाद आधी जायदाद तुम्हारी। क्या? हाँ, और उसके मरते ही मैं तुमसे शादी कर लूंगा, कैसा? लेकिन कुछ नहीं, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत। जब तक वो मर नहीं जाता वो इसी घर में रहेगा और मैं उसे तुमसे दूर रखूंगा। डन? पक्का? हाँ डार्लिंग पक्का। फिर ठीक है, मुझे मंजूर है। महमूद साहब ये साइमा है। चल बुढ़े जल्दी से शादी करते हैं। चलो चलो। यार महमूद साहब रुके यार, वो ये वो नहीं है। क्या ये वो अमीर बुढ़ा नहीं है? ओ नहीं यार, इन्होंने तो पिछले 2 साल से अपने लिए कुर्ता नहीं खरीदा बल्कि 2 ढोल वाले से ले लिए थे उधार। चल हट बुढ़े। नबील तो फिर वो बुढ़ा कहाँ है जिससे मैंने शादी करनी है? वो अंदर है। तो क्या पहले उसकी जमानत करवाएंगे? यार मेरा मतलब है घर के अंदर है। चलो मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। महमूद साहब शेर खान को खुशखबरी सुनाते हैं। वो जो शेर खान को सुनानी है वो खुशखबरी है। हां जी फिर आजे खान साहब आजे, आपके लिए लड़की मिल गई है। बताइए शेर खान की लड़की है? ओ नहीं माँ जी, ये लड़की शेर खान से शादी के लिए तैयार है। उधर तेरा इलाज हो रहा है या अभी होना है? अरे मोमो कैसी बातें कर रही हो यार, पहले इसे इतनी मुश्किल से राजी किया है हमने। ओ अच्छा अच्छा सॉरी। ले भाई तेरी तो लॉटरी निकल गई है ना, इतना हसीन खूबसूरत नौजवान लालटेन लेके ढूंढने की तो नहीं मिलेगा। नबील जी जानू, लगता है मैंने इस लड़की को पहले भी कहीं देखा है। अरे भाई आई होगी किसी एपिसोड में, क्यों नबील? कैसी बातें कर रहे हैं महमूद साहब, जानू बड़ी आम सी शक्ल है इस लड़की की, ऐसी तो बहुत सारी होंगी। नबील व्हाट, इसने तुम्हें नबील क्यों कहा है?
कहा भाई तुमने मुझे नबील क्यों कहा? भाई तुम्हारा नाम नबील है तो नबील ही कहूंगी ना। हाँ जानू ये भी सही कह रही है, भाई जब मेरा नाम नबील है तो मुझे नबील ही कहेगी, शकील थोड़ा कहेगी। यार मैं मुसब आप शेर खान को बुलाए ना यार। हाँ शेर खान, अरे आज अपनी लड़की मिल गयी। किधर किधर? अरे ये रही तुम्हारे सामने। हेलो जेना देर खास्ता दे यार, क्या जबरदस्त पीस है यार। है? अब आप लोग जल्दी से हमारी शादी करो, हम अपना टाइम जाया करना नहीं चाहते। अरे रुक जा यार, अफ्तारी के बाद मस्जिद में जाके निकाह पढ़वाते हैं। हाँ हाँ खान साहब, रोजा तो खोलने देना यार हमें, आपको कौन सा को फांसी का ऑर्डर हो गया जो भी फौरन निकाह करना है। यार तुम अपना रोजा मोजा खोलो यार, हमारा तो रोज पहले खुल गया, हम इनके साथ जाकर थोड़ा लॉन में थोड़ा गप शप करते हैं। हाँ 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 क्यों नहीं क्यों नहीं, अच्छा अच्छा जाइए जाइए जाइए, जा जाओ। तुम्हें अपना वादा याद है ना? हाँ हाँ याद है याद है। आजो, आजो। वादे की बात करी थी नबील। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। चले यार मैं मूसा नमाज पढ़ के आते हैं यार। फिर ऐसा एक एक काम करते हैं, इनको भी अपने साथ लेके चलते, उधर मगरिब का नमाज के बाद फिर निकाह भी पढ़वा लेते। क्या? हाँ बिल्कुल सही बात है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। नबील? हाँ फिक्र मत करो, मुझे अपना वादा याद है। चलो भाई नबील, फिर ये नेक काम भी कर ही डालते हैं। वो जो हम कल डालेंगे वो नेक काम होगा। हाँ जी चले जी। हाँ जी चलो चले भाभी चले चले चले। चलो अब ऐसे करते हैं कि हम लोग कमरे में चल के बात करते हैं। क्या? कुछ शर्माओ नहीं ना। अरे इसमें शर्माने का बात नहीं है, अब तो हम दोनों मियां बीवी हैं ना, तो फिर क्या मसला है? उशो उशे। खास साहब थोड़ा सा एडजस्ट तो होने दें उसे। यार हमने इससे अभी बातें करना है, इसको अपने दुख भरा स्टोरी स्टोरी बताना है। खास साहब वो मैं सुना दूंगा ना इन्हें। सुनाऊंगी तो मैं तुम्हें, जरा इधर तो आना। आओ मेरे साथ आ जा। तुमने तो मुझसे कहा था ये आदमी जल्दी मर जाएगा, लेकिन इसकी हरकतों से तो ऐसा नहीं लग रहा। कैसी बातें कर रही हो, ईद नहीं कर पाएगा, जवाब दे दिया डॉक्टर ने इसे। और इस वक्त तक मुझे कौन बचाएगा इससे? मैं हूँ ना। पक्का? हाँ पक्का। तो बात को समझने की कोशिश करो। ओए ये गीदड़ खान की बीवी तेरे मियां को उधर क्या दिखाने के लिए लेके गई है? शेर माँ जी। शेर दिखाने लेके गई है? अरे शेर खान की बीवी है वो माँ जी। हेलो हाँ डॉक्टर साहब। यार डॉक्टर साहब अब तुम ये ना बोलना कि हमारे पास 15-20 दिन से ज्यादा का टाइम नहीं रह गया। क्या ये तुम क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब आप यकीन करो कि हम आपका मुंह नोटों से भर देगा। ओ यार मैं मुदा मुबारक हो मुबारक हो। किस बात की मुबारक? ओ यार मरने वाला नहीं है, कोई डॉक्टर ने किसी और शेर खान के रिपोर्ट हमारे साथ मिक्स कर दिया था, आपको तो सिर्फ मामूली सा अल्सर है। क्या? वो बेगम तुम हमारे लिए बहुत मुबारक साबित हुआ है, अब हम तुमको अपने साथ गांव लेकर जाएगा। नबील? हां तो चली जाओ ना, तुम्हारा शौहर है, खावन है भाई, तुम्हारा हस्बैंड है। यू चीटर धोखेबाज, तुमने मुझे क्या कहा था कि ये आदमी महीने के अंदर अंदर मर जाएगा, लेकिन ये तो जिंदा है और उसके बाद तुम मुझसे शादी करोगे।
क्या? हाँ, इसीलिए तो मैंने इस ठरकी बूटे से शादी की थी। रबी तुम घटिया इंसान, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ओए तुम अपना फैमिली मैटर को अपना बाप में जब जाना, तुम हमारे साथ चलो।